आज हम आए पालघर घूमने के लिए, और पालघर में हम लोग ठहरे अशोका फार्म, काफी अच्छा फार्म है, बहुत सारे बीचेस जो है यहाँ से पास में। अभी हम लंच कर रहे हैं और मेरे साथ मेरे फ्रेंड है रोहित। ये हमारा लंच, लंच यहाँ पे काफी अच्छा है, आपको एकदम घर जैसा टेस्ट मिलेगा। और सबसे बेस्ट पार्ट जो है वो यहाँ अनलिमिटेड मिलेगा कि आप डिशेज देख सकते हैं, एक बार दिखा दो। चिकन है, चिकन फ्राई, फिश है, दाल राइस, खीर है, ओवरऑल सर्विस बहुत अच्छी है और खाना भी बहुत टेस्टी है। बाकी अभी हम खाना कंटिन्यू करते हैं, बाकी आपको लंच के बाद दिखा, लंच के बाद। ये हमारा अशोका फार्म, और ये मेरे दोस्त यहाँ पे लंच के बाद आराम फरमाते हुए। ब्रो कैसा एक्सपीरियंस यहाँ का? एक नंबर है, एक अनलिमिटेड खाना। और ये हमारे रूम्स हैं यहाँ पे, ये हमारे रूम के बाहर का एम्बियंस है। रूम के बाहर हर तरीके की यहाँ पे आप खुद देख सकते हैं कि जैसे खेलने के लिए टेबल टेनिस है, कैरम है, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, और अगर आप थक जाओ तो वहाँ आराम भी कर सकते हैं। अब हमारे कुंडू भाई पूल खेलेंगे। ये हमारा रूम है, ये फ्रिज है, फ्रिज के अंदर क्या है? ये हमने अभी जस्ट डिस्कवर किया है। ओ भाई साहब, ये सारा अनलिमिटेड है। ओ माय गॉड, वाओ, सजाओ कुंडू भाई टेबल। One eternity later. कुंडु भाई परेशानी का सामना करते हुए। Much, much, much later. मिस कर गया कुंडु भाई। ये हमारा प्ले एरिया, और ये देखिए, ये हमारा आफ्टर प्ले एरिया। के बाद थोड़ा रेस्ट। यार रुपेश आराम फरमाते हुए रोहित भाई के साथ। और ये देखिए गार्डन, ये ऊपर भी कुछ रूम्स हैं। व्यू एकदम कमाल का है भाई। कुंडू भाई अशोका फार्म्स के अंदर। और ये हम अपने रूम में वापस आते हुए, ये हमारा टीवी का है, हमारा टीवी चल रहा है, और ये बहुत बढ़िया सा झूला है। कोई लड़की वड़की होगी आप लोगों के साथ में, कुंडू भाई एक बार बैठ के बताओ कितना मजबूत है झूला। मेरा वेट समा सकता है तो आपकी आपकी गर्लफ्रेंड का भी। Later that same evening. कैसा लग रहा है कुंडू भाई यहाँ पे? गजब का नजारा है यार, मजा आ गया। That same evening. दांडा केडी ब्रिज, दांडा केडी। कैसा लगा यहाँ पे आके? बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है। यहाँ से सनसेट दिखता है मेरे ख्याल से। हमारे गाड़ी बगाते बगाते सनसेट हो गया। हाँ वही ना। बाकी ये केलवा ब्रिज से बहुत पास में, बीच से बहुत पास में।
सेकंड स्पॉट आफ्टर केलवा बीच. ए फ्यू मोमेंट्स लेटर कुंडू भाई के साथ हम अपनी डेस्टिनेशन पे आ गए. कैसा लग रहा है कुंडू भाई? भाई एकदम ओपी प्लेस, मजा आ गया. ऐसे सरप्राइजेस मुझे अच्छे लगते हैं. खतरों के खिलाड़ी. चलो भाई, भाई साहब गड्ढा देख क्या. बढ़ गया पानी, बढ़ गया, बढ़ गया. बस ज़्यादा साइड मत जाना भाई, नहीं तो नाले में ही गिर जाएंगे. गुड मॉर्निंग गाइस, आज हमारा आखिरी दिन है स्टे का. हम अपना अभी ब्रेकफास्ट कर रहे हैं. ब्रेकफास्ट में आप देख सकते हैं मिसल और पोहा. शायद ये भी अनलिमिटेड हो. गाइस फाइनली हम चेकआउट कर रहे हैं इस ब्यूटीफुल सी प्लेस को, अशोका फार्म्स. तो ये हमारे गाइड मतलब यहाँ के ओनर है जो ये बताएंगे कुछ यहाँ का लोकेशन क्या है. लोकेशन दरअसल हमारा मैं ये केलवा बीच के 5 मिनट के पास. और यहाँ पे मतलब सर्विसेज वगैरह क्या क्या मिलती है? यहाँ पे आपको जो पैकेज जो हमारा रहता है वो इंक्लूडेड है फूड उसमें. तो उसमें एक लंच, डिनर और ब्रेकफास्ट इंक्लूड रहेगा अनलिमिटेड. और बाकी एमिनिटीज़ में इंडोर गेम्स है, आउटडोर गेम्स है, गार्डन एरिया है. फिर विंटर सीजन में इधर ये भी रहता है फायर कैंप और फिर मूवी स्क्रीनिंग है. सर कैंपिंग है. खाना वगैरह सब अनलिमिटेड? हाँ, खाना में सब अनलिमिटेड रहता है, वेज नॉन वेज. प्राइसेस वगैरह कैसे वेरी करते हैं? प्राइसेस मतलब अगर आप ग्रुप बड़ा ग्रुप हो गए तो फिर वो 1500 पर पर्सन ए सी करते हैं और 1300 पर पर्सन नॉन ए सी, उसमें फूड भी करते हैं. और अगर आप डबल ऑक्यूपेंसी लेते हो तो फिर 4000. और बाकी आप बना बना के भी देते हैं? हाँ हाँ, बाकी तो अगर आपको स्टार्टर्स में कुछ ड्रिंक्स के साथ लगेगा या कुछ कुछ तो अलग से ऑर्डर करके मिल जाए. भी आप ऑर्गेनाइज करवाते हैं? इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज करते हैं, मतलब जैसे कि पार्टी रह गई या फिर बर्थडे पार्टी, वेडिंग, एंगेजमेंट या फिर ऐसे में कॉर्पोरेट भी होते हैं, मतलब ओपन हॉल वैसे वैसे रहते हैं. ओके थैंक्स आपका नाम यश. यश थैंक यू. टू वेट अगेन. थैंक यू.